एक लड़की को कभी भी ऐसे पुरुष की जरूरत नहीं होती जो उसकी यौन इच्छा को पूरा न कर सके। औरत के दोनों स्तन बड़े होते हैं, उस औरत के साथ संभोग करते समय पुरुष को ज्यादा मजा आता है। सेक्स करने के बाद पेशाब करने से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं होता है। साइकोलॉजी कहती है कि जिस प्रकार पुरुष के मन में जब सेक्स करने की इच्छा उत्पन्न होती है तो वो पानी छोड़ने लगता है, उसी प्रकार महिला भी किसी पुरुष से सेक्स करने की बातें सोचकर ही पानी छोड़ने लगती है। 75% पुरुषों को प्रवेश के 3 मिनट के अंदर ही वीर्य पतन हो जाता है। बिना प्यार के किया गली है। एक पवित्र औरत भी गैर मर्द के साथ संबंध बनाने से मना नहीं कर पाती है जब वो अपने पति से शारीरिक रूप से असंतुष्ट रहती है। महिला सेक्स करना तब तक नहीं रोकती जब तक उसकी योनि की आग बुझ न जाए। ज्यादातर महिलाएं गर्दन पर किस करवाने से ज्यादा उत्तेजित हो जाती हैं। बार बार हस्त मैथुन करने से लिंग से वीर्य बाहर निकलने से पुरुष को प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। एक औरत निर्वस्त्र होकर संभोग तभी करती है जब वह अपने प्रेमी के साथ संभोग कर रही हो। साइकोलॉजी कहती है कि रात के बजाय दिन में सेक्स करने से महिलाओं को ज्यादा संतुष्टि मिलती है। एक महिला की योनि को चाटना जबकि आपकी उंगली उसके गुदा में हो तो उसे पूरी तरह से सींग का बना देगा और आनंद वह तुम्हारे साथ अधिक से अधिक प्यार में विलीन हो जाएगी। कोई किसी के बराबर नहीं है, यहाँ तक कि एक ही आदमी अलग अलग दिनों में अपने बराबर नहीं होता। जो स्त्री रोमांटिक उपन्यास पढ़ती है वो संभोग का अधिक लुफ्त उठाती है। जब कोई स्त्री आपसे पूछती है कि क्या वह मोटी है तो आप उसे न बताएं, क्योंकि वह आपसे केवल नहीं शब्द सुनने के लिए ही पूछती है। एक स्त्री गैर मर्द से संभोग तभी करेगी जब उसकी योनि असंतुष्ट होगी। जो स्त्री पीछे से संभोग करवाती है वह स्त्री बहुत शक्तिशाली होती है। महिलाएं सोचती हैं कि एक पुरुष के लिए अच्छा दिखने की तुलना में अच्छी तरह से शिक्षित होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। 46% महिलाएं अपने साथी के साथ सेक्स के दौरान किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कल्पना करती हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जिस व्यक्ति से आप बात करते हैं और उसके होठों को देखने से उसके मस्तिष्क में सेक्स प्रतिक्रिया होती है।